अपना सपना भूलकर जब तुम सो रहे हो, असली संसार को छोड़कर ख्यालों में खो रहे हो, आलस से घिरे हो, बेवजह जी रहे हो, बिना लक्ष्य के सफर में हो, बस सांसें पी रहे हो, अंदर कहीं गहराई में एक दबा कुचला ख्वाब है जो बचपन में देखा करते थे, कुछ करने का, कुछ बनने का, नाम कमाने का, बुलंदियों पर ठहरने का। उस वक्त किसी की आवाज सुनाई पड़े, रास्ते पर रेंग कर कोई चलता दिखाई पड़े, कमियों के बावजूद चुनौतियों से डटकर, छाले पड़े पैरों से, परिस्थितियों से लड़कर अपना सफर तय करता एक इंसान, या कहो उस इंसान के रूप में भगवान, जब दिखता है सब धुंधला हो जाता है, बस उसकी लगन, मेहनत और पागलपन दिखाई देता है। अचानक अंदर से आवाज आती है, उठ, तू भी कुछ करने के लिए बना है, तू भी उड़ने के लिए बना है। ये क्या हालत कर ली है खुद की, खुद को पहचान, तू थकने के लिए नहीं, चलते रहने के लिए बना है। अचानक सारी थकान खत्म हो जाती है, ठंडा खून उबलने लगता है, जोश दौड़ने लगता है नसों में, अचानक एक पागलपन जलने लगता है, वो किक, वो जोश, वो जुनून देता है एक मोटिवेशन तुम्हें, तुम्हें जगाए रखता है, तुम्हें भगाए रखता है, सोने नहीं देता, रोने नहीं देता, तुम्हें सनकी बनाए रखता है। शुरू होती है फिर एक जर्नी तुम्हारी, पसीना मेहनत शुरुआत, पागलपन भरे दिन, मेहनत भरी रात, एक अंगार बन जाते हो तुम, एक तूफान बन जाते हो तुम, जीत लेते हो हर एक पड़ाव को, सर्वशक्तिमान बन जाते हो तुम। ये होता है मोटिवेशन का पावर, चाहे किसी को देखो, किसी को सुनो, किसी को पढ़ो, हर मोटिवेशन कहता है कि उठो, लड़ो और आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी को मकसद देता है, तुम्हारी कहानी को मतलब देता है। लेकिन भूख, भूख तुम्हें बेचैन रखती है, उसके लिए तुम्हें किसी को सुनने या देखने की जरूरत नहीं है। चीखती धड़कन, सूखता हलक और कांपता शरीर तुमसे वो करा देता है जो करना जरूरी है, जो तुमने सोचा नहीं है। भूख जब लगती है ना, इंसान पागल हो जाता है, वो चीख, वो तड़प, वो जरूरत महसूस करो। भूखे इंसान को बस खाना दिखाई देता है, सिर्फ खाना, ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया, ना फोटो के लाइक्स, ना किसी की ड्रेस सेंस, सिर्फ और सिर्फ खाना। पूरी जान लगाकर वो खाने की ओर बढ़ता है, फर्क नहीं पड़ता मौसम कैसा है, फर्क नहीं पड़ता जाड़ा गर्मी बरसात है, आग लगी हो दुनिया में, उसे चाहिए बस खाना। उसके लिए वो कुछ भी करेगा, मार देगा किसी को या खुद मरेगा, पर पेट भरकर उस भूख को शांत करेगा। बर्फीली ठंड में मोटिवेशन ठंडा पड़ सकता है, लेकिन भूख हर ग्लेशियर को पिघला देगी, हर अंगार पर रास्ता बना देगी, गीले भीगते समुंदर को भी जला देगी। यही भूख तुम्हें भी पालनी होगी, सक्सेस की भूख, जिसके आगे कोई बहाना ना दिखे, जिसके सामने कोई आलस ना टिके, चाहे सारा जमाना रोके, चाहे जग दुश्मन हो जाए, चाहे मौसम सताए, चाहे धूप जलाए, पर कोई तुम्हें तोड़ ना पाए। भूख पालनी होगी सफलता की, ताकि रात को अचानक नींद खुलने लगे, ताकि थकने पर भी कदम खुद चलने लगे, सारे डिस्ट्रैक्शन, सारे अट्रैक्शन छोड़कर नजरें आसमान की तरफ उठने लगे, ऐसी भूख की हलक सूख जाए, बेचैनी बढ़ जाए, रक्तचाप उठ जाए, ऐसी भूख जो बस सफलता को पाकर ही शांत हो, और तब तक तुम्हें रोकने का कोई तरीका ना हो। क्या लगता है, शेर को जंगल का राजा किसने बनाया, मोटिवेशन ने या भूख ने? जवाब है भूख ने। जब शेर भूखा होता है ना, तो सामने कोई भी जानवर हो मार कर खा जाता है। सच्चाई यही है दोस्त, भूख मोटिवेशन से बड़ी होती है। वही भूख तूने भी पालनी होगी, जो तुझे रुकने ना दे, जो तुझे थकने ना दे, चाहे लाख रीजन हो ना कर पाने के, चाहे मौके हजार हो गिर जाने के, पर वो भूख तुझसे रास्ता बनवा ले, ले जाए तुझे शिखर तक और जीत का झंडा फहरा दे। अपने अंदर ऐसी ही एक भूख को जगा, और जो कहते हैं ना तू नहीं कर पाएगा, उन सालों को करके दिखा। और हाँ, मैं जीत के शिखर पर तेरा इंतजार करूंगा, बोल तू आएगा ना?